अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, आपको एक दफ़ा फिर कमर्स पैट में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक पिजन के सेटअप पे। ये मेरे मामू ने बनाया हुआ है पिजन का सेटअप। माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनके पास कबूतर मौजूद हैं, ये देख लें आप। अब क्योंकि मुझे तो कबूतरों का शौक़ भी नहीं है, ना मैंने रखे हुए हैं, तो मुझे इस इनकी नस्लों का तो नहीं पता। बस यही पता है कि ये कबूतर हैं। तो ये देखें, ये छत के ऊपर इन्होंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनके पास कबूतर मौजूद हैं। ये देखें जी, आपको अंदर से मैं थोड़ा सा विज़िट करा दूँ। ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये बच्चे भी आए हुए हैं इनके। ये देखें, ये भी बच्चा है। ये अंदर का थोड़ा सा व्यू आपको दिखा रहे हूँ। ये देखें, नीचे भी हैं, कुछ अंडों पे बैठे हुए हैं, कुछ जो हैं बच्चों बच्चे दिए हुए हैं कुछ ने। ये देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखें कैसे आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ पे शाम का टाइम है, तो ये गांव में इनका घर है मामू का, तो उस पे हम आ जाए हुए हैं इनके पिजन सेटअप देखने के लिए। पहले भी मैं कई दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन वीडियो नहीं था बना सका क्योंकि टाइम नहीं था मिलता इतना। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये थोड़ा सा जो छोटा सेटअप है ये आपके साथ शेयर किया जाए। ये देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा सेटअप बनाया हुआ है। काफ़ी कबूतरों के बच्चे आए हुए हैं अभी, क्योंकि ये सेटअप बहुत ही छोटा सा है तो इसके अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखें, ये बिल्कुल छोटी सी, इसके अंदर जो इनके डरबे वगैरह बनाए हुए हैं वो अंदर नहीं जा सकते, तो बाहर से ही आपको दिखा सकूंगा मैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें उड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पिजन सेटअप अच्छा लगा होगा। ये गांव है रडियाला बड़ैच, उसमें बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। काफ़ी शाम का टाइम हो गया और कबूतर मेरी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ इसका मुकम्मल जो है वो अंदर से भी आपको जो इनके बच्चे वगैरह निकले हैं वो भी दिखाएंगे, क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका है, घर भी जाना है हमने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
पसंद।